उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने एक अत्यंत महत्वपूर्ण और तात्कालिक प्रश्न पर आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है। अभी कृषि मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि देश के तमाम राज्यों में इस बार किसान की रबी की फसल को काफी भारी नुकसान हुआ है। एक तरफ अगर फसल का नुकसान हुआ तो दूसरी तरफ अगर उनके पास कोई विकल्प है रोजगार का तो मनरेगा है कि गांव में अगर उस फसल की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने की बात कही गई है तो दूसरी तरफ अगर किसानों को निश्चित तौर से या मजदूर को वहां पे कोई रोजगार उपलब्ध होगा तो वो मनरेगा के माध्यम से हो सकता है। एक तरफ केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश किया, राज्य ने भी निर्देश किया कि जो फसल नुकसान हुआ उसका प्लॉट टू प्लॉट सर्वे हो, लेकिन इसके बावजूद फसल की कटाई हो रही, वो सर्वे नहीं कंप्लीट हुआ। तो अगर ये मुआवजा देने की बात हो भी रही है, जहां एक बीघे में 6 से 7 क्विंटल हो रहा था, इस बार उस फसल की उत्पादन घट करके 2 क्विंटल 2.5 क्विंटल रह गया। मेरा केवल आपसे निवेदन है कि सिद्धार्थनगर में मनरेगा का कार्य बंद है, किसानों को मिट्टी का कार्य नहीं दिया जा रहा है, तो आप कृपया सरकार से को निर्देश करें कि जो डिमांड ड्रिवेन स्कीम है जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो वो मनरेगा कार्य शुरू किया जाए जो 1 वर्षों से हमारे जिले में बंद है।